हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। तो लास्ट के लेक्चर में हमने देखा था जीपीआरएस, जो कि इज नॉट जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। तो अभी के लेक्चर में हम देखेंगे अभी हम लेंगे डीटीसीपी, दैट इज डिजिटल एनहांस कॉर्डलेस टेलीकम्युनिकेशन, ये वाला टॉपिक। तो जो डेक्ट का लॉन्ग फॉर्म है वो है डिजिटल एनहांस कॉर्डलेस टेलीकम्युनिकेशन, इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कम्स अंडर वायरलेस सेंसर नेटवर्क, वाइडली यूज फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड बिजनेस पर्पस। इट इज डिजाइन टू शॉर्ट रेंज विच एक्ट एज एन एक्सेस मेथड टू मेजर नेटवर्क। ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ डेक्ट इट बिकम्स वाइडली यूज एप्लीकेशन अराउंड द ग्लोब। तो बेसिकली इसको बिजनेस पर्पस के लिए वगैरह भी यूज़ किया जाता है। ओके, देन इट इज़ अ फुल्ली डिजिटल सेलुलर नेटवर्क विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज डिजिटल यूरोपियन कॉर्डलेस टेलीफोन और डिजिटल यूरोपियन कॉर्डलेस टेलीकम्युनिकेशन। तो उसका अगर हम आर्किटेक्चर देखेंगे, सो थ्रू द इंटरफेस ग्लोबल नेटवर्क कनेक्ट टू द लोकल नेटवर्क विच कम्युनिकेट टू द आउटसाइड वर्ल्ड। दिस नेटवर्क ऑफर द सर्विस सच एज डेटा ट्रांसपोर्टेशन। देखो उसके सर्विसेज क्या है, जैसे डेटा ट्रांसपोर्ट है, एड्रेस ट्रांसलेशन है, डेटा राउटिंग बिटवीन द लोकल नेटवर्क। देन द रोल ऑफ नेटवर्क इन डेक्ट इज टू प्रोवाइड द लोकल टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो डेक्ट में जो लोकल नेटवर्क है उसका रोल क्या रहता है, इट प्रोवाइड्स अ लोकल टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो उसके अगर हिस्ट्री देखेंगे, द स्टैंडर्ड ऑफ डेक्ट इज फर्स्ट एस्टैब्लिश इन 1992। तो एस्टैब्लिश उसको कब गया गया, तो 1992 में, विच वॉज डेवलप्ड बाई ETSI, दैट इज यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट ने उसको एस्टैब्लिश किया 1992 में। द रिसर्चर हैज बीन स्टार्टेड इन 1987 अंटिल द फर्स्ट एस्टैब्लिशमेंट। इनिशियली द डेक्ट इज नोन as a digital European cordless telephony, which evolved in digital European cordless telecommunication and in 1995. देखो पहले वाले जो कॉर्डलेस फोन आते थे ऐसे लंबे वाले, हाँ, तो वो है डेक, ठीक है। 1995 the name was finally changed to digital enhanced cordless telecommunication. In 2007 the new standard of DECT was launched. The next improvement was done in 2011 called DECT Ultra Low Energy. This improvement added the benefit in health, automated battery tracking and energy use. Through the DECT was first designed for high roaming in network station. It is widely used as wireless system which connect the office, home or network station and allows roaming with the place. The system uses the radio wave to use the fixed network. It uses a total 10 channel and in range of frequency from 1880 to 1900 MHz. Generic access profile is used by the most producer for the interoperability. तो ये इसका एक कुछ explanation है कि वो क्यों use किया गया, ठीक है? Yes. देन इसका अगर आर्किटेक्चर हम देखेंगे तो उसमें फिजिकल लेयर आता है, मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर आता है और डेटा कंट्रोल लिंक आता है। देन जो डेक्ट के एडवांटेजेस है, तो जैसे वाइडली अडॉप्टेड फॉर यूरोप फॉर वायरलेस वॉइस कम्युनिकेशन, को एग्जिस्टेंट विद ISM बैंड, गुड सिक्योरिटी, लो कॉस्ट है, हाई कैपेसिटी इन क्वालिटी, स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी है। और उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं तो वो है लो स्पीड और नॉट करेंटली सुटेबल फॉर फुल हाई स्पीड होम नेटवर्क। तो ये दो डिसएडवांटेजेस। एंड अगर एप्लीकेशन उसमें देखेंगे तो कॉर्डलेस प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज एंड वायरलेस लोकल लो कॉर्डलेस टर्मिनल मोबिलिटी एंड होम कॉर्डलेस फोन। सो डेक्ट इज यूज इन डेवलपमेंट कॉर्डलेस फोन विच आर वाइडली यूज फॉर रेसिडेंशियल वर्क एंड बिजनेस पर्पज।
It is used in the development of many industries application, baby monitors, remote controls, and it is used in public switch network, which is global telephone system connecting to various public telephone network. Publicly telephone network को connect करने के लिए use किया जाता है. Then it is used for business telephone system. It is used for call centers and other business firms. It is used for integrated service digital network where a transmission of voice multimedia data gets done over a public switch telephone network. It is used in global system for mobile transmission in wireless local loop where the telephone and internet service are provided to telecommunication customer. तो ये सारे उसके एप्लीकेशन है.